कामपूर्ति के समय वीर्यपतन नहीं होना, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। इसको बोलते हैं ड्राई ऑर्गेजम या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, यहां पिछले 37 साल से प्रैक्टिस करता हूं। कुछ लोग हमारे तरफ जब आते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करते हैं, तो उसमें बोलते रहते हैं कि भाई मेरा वीर्यपात नहीं होता, वीर्यपतन नहीं होता, इजैकुलेशन नहीं होता। मतलब सेक्स करने में अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है, मजा आता है, सब होता है, मगर वो वीर्यपात नहीं होता। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या ड्राई ऑर्गेजम ऐसा उसको बोलते हैं। तो फिर इसके लिए करना क्या है, तो ये समझना जरूरी है कि होता क्यों है। क्या है कि जो मसल्स यूरिन होल्ड करती है अपनी, पेशाब की थैली है, पेशाब की थैली समझो ऐसी है, और वहाँ से फिर उसमें पेशाब जमा होता है, वहाँ से फिर वो पेशाब जब बाहर आता है तो वो उसकी एक छोटी गर्दन रहती है, थैली की एक गर्दन रहती है, वहाँ से फिर वो नली को जुड़ जाता है, पेशाब बाहर आता है। मेल्स में, पुरुष में पेशाब की जो नली है वो और वीर्य की नली है वो एक ही है, मगर वीर्य अलग नली से ये कॉमन नली में आता है, पेशाब एक नली से कॉमन नली में आता है, दोनों अलग अलग जगह से आते हैं, फिर ज्वाइन होती है एक नली, यहाँ से बाहर आता है। अब पेशाब की जो थैली है वहाँ का जो उसकी गर्दन है, वो गर्दन में वो जो स्नायु है वो क्या होता है कि वीर्य बाहर निकलने के समय पेशाब की थैली बंद हो जाती है, उसका मुंह बंद हो जाता है। पेशाब की थैली का मुंह बंद हो गया, वीर्य बाहर आता है। अब समझो ये देखो कि पेशाब की थैली का मुंह बंद हुआ ही नहीं, अब क्या हो गया कि वीर्य बाहर आ रहा है मगर वो अभी जाएगा पेशाब की थैली में, क्योंकि उसने मुंह बंद किया नहीं अपना, तो वो वीर्य बाहर आने के बदले वो सीधा चले गए पेशाब की थैली में और वहां जमा हो गया, अब इधर वीर्य बाहर आया ही नहीं। तो फिर अभी इसके लक्षण क्या है, एक तो है कि वीर्य बाहर आता नहीं, फिर उसके इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ये है कि पेशाब गाढ़ा हो जाता है, सफ़ेद हो जाएगा, और तीसरा क्या है कि बच्चा होगा नहीं, क्योंकि फिर औरत प्रेग्नेंट नहीं होंगी, गर्भवती नहीं रहेंगी, क्योंकि यदि वीर्य उसके योनि में जाता ही नहीं है सेक्स करने के समय और वो उधर पेशाब के थैली में चले जा रहा है तो इधर प्रेगनेंसी नहीं होंगी। तो वो लक्षण कौन से कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो रही। क्या होता है कि 0.3 to 0.8% लोग है, मतलब 1,000 में 3 से 8 लोग है, 1,000 में अप्रॉक्सीमेटली 4-5 लोग ऐसे होंगे कि जिनको कुछ ना कुछ कारण से ऐसा होता है, ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। अब इसमें कारण क्या हो सकते हैं, एक तो है कि वो मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन, और मेडिसिन मतलब कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कुछ बीमारी की दवाइयाँ हैं, और वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है जिसके वजह से वो जो पेशाब की थैली है उसका मुंह बंद नहीं होता। पेशाब आती है तो मुंह खुल जाता है, पेशाब बाहर आता है, वीर्य आता है तो मुंह बंद हो जाता है, वो मुंह बंद नहीं हो रहा अभी, तो वो एक मेडिकेशन ये कारण हो सकता है। फिर उसमें पेशाब की थैली जो है उसका इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो जो मसल है जो वो मुंह बंद कर देती है पेशाब की थैली का, वो मसल की कोई प्रॉब्लम है, वहाँ नर्व डैमेज है, या वहाँ कोई सर्जरी हुई है पेशाब की थैली की, तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं कि जिसमें वीर्य बाहर नहीं आता, पेशाब की थैली में जाए। इसका इलाज जो है वो जो कारण है वो कारण निकाल के उसका इलाज हो सकता है। यदि कोई दवाई से ऐसा हो रहा है तो दवाई बदलो, और कुछ दवाइयाँ हैं कि जो दवाइयाँ पेशाब की थैली का मुंह बंद करेगी और वीर्य बाहर आने देंगे, वो दवाई दे सकते हैं। तो जो जो लोगों को ये प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या ड्राई ऑर्गेजम, तो वो ठीक हो सकता है। अभी इसमें और एक प्रॉब्लम, वो कौन सा है कि समझो वीर्यपात नहीं हो रहा है मगर ऐसा है कि वीर्य तैयार ही नहीं हो रहा इसलिए बाहर नहीं आ रहा, वीर्य तैयार नहीं हो रहा। अब ये दूसरा प्रॉब्लम है कि वीर्य तैयार नहीं हुआ, और तैयार ही नहीं हुआ तो बाहर कैसे आएगा, तो फिर वो देखना पड़ता है कि वीर्य तैयार क्यों नहीं हो रहा है। क्या प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम है, सेमिनल वेसिकल का प्रॉब्लम है, जो शुक्राणु है वो तैयार नहीं हो रहे उनका प्रॉब्लम है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, वो तैयार मतलब वो तैयार नहीं हुए, तो फिर जब शुक्र जंतु ही नहीं है, शुक्र जंतु जो उनका उनकी यात्रा जो है टेस्टिकल से निकलती है, उधर थैली में जमा होते हैं, फिर वहाँ वीर्य कब तैयार होना चालू हो जाता है, वो सब पूरी प्रक्रिया नहीं है, बंद है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगा कि वीर्य तैयार ही नहीं हो रहा है, शुक्र जंतु ही तैयार नहीं हो रहा तो वीर्य बाहर आने का सवाल नहीं होता, तो वो अलग काम है, मतलब वो प्रॉब्लम अलग है। अदरवाइज तैयार हो रहा और बाहर नहीं आ रहा तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसका इलाज बराबर हम कर सकते हैं। वीडियो आपका अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोग जो परेशान हैं इसमें से, कुछ कुछ लोग तो एकदम आते हैं डिस्टर्ब होके कि अभी मेरा आजकल वीर्य बाहर निकलता ही नहीं है,
क्या हो गया भाई? बोलते पहले प्रोस्टेट चेक करो, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन है क्या, इन्फेक्शन हुआ है क्या, जो यूरिनरी ब्लैडर है पेशाब की थैली उसका इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है क्या, वो चेक करो क्या हो रहा क्या भाई। देखो पेशाब की जांच कर लो, वीर्य की जांच करो, सब जांच करवाते हैं और एक डायग्नोसिस के ऊपर आते हैं। आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।